बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल में सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में लेके आए हैं। हम आपको टूर करवाने जा रहे हैं 7 मरला कॉर्नर कैटेगरी का हाउस। ये गर्जा मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वालों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, इस करके प्राइस फ्लोर पे हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी जो है वो स्ट्रीट ओवर व्यू चेक करवाते देते हैं। या इसकी चेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड है, सॉरी फ्रंट साइड है, और इधर इसकी जो है लेफ्ट साइड है। मेन आप इसके चेक कर सकते हैं 70 फीट जो है वो स्ट्रीट जो है वो स्ट्रीट का साइज़ है। कॉर्नर चेक कर सकते हैं आप, और बाहर आप देखेंगे इधर जो अभी ग्रीन एरिया है राइट और फ्रंट पे जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। घर का विजिट हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट एलिवेशन आप इसका चेक कर सकते हैं। बाहर जो है बहुत ही खूबसूरत जो है वेदर शीट और स्टोन टाइल की मदद से जो है वो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और कुछ हिस्से पर आप चेक कर सकते हैं ग्लास और स्टील की मदद से जो है वो बाहर आप चेक कर सकते हैं इसकी जो है वो स्टील वर्क जो है। बाहर आप नीचे आप चेक करेंगे इसका कारम का एरिया है। कारम की बात करें तो इधर जो है टफ टाइल का जो है वर्क हुआ हुआ है। मेन आप इसका जो है वो इंटरेस्ट और वर्क चेक कर सकते हैं जी। घर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका जो है ये कार पोर्च का एरिया है। नीचे आप देखेंगे खूबसूरत इसका जो है वो टाइल वर्क, और सामने आप इसके जो है वो 3 डोर देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन की इधर से सेपरेट इंटरेस्ट है, ग्राउंड पोर्शन का मेन इंटरेस्ट है दरमियान वाले डोर से, और राइट साइड वाले की बात करें तो ये इसका जो है ग्राउंड पोर्शन का ड्राइंग रूम है। इधर आप देख सकते हैं इसका जो है गैलरी एरिया है। नीचे आप देखेंगे अपलिफ्ट के लिए बड़ा जो है सेपरेट टैंक है। सबसे पहले हम आपको इसका जो है ड्राइंग रूम चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत जो है वो इंटरेस्ट और वर्क जी। इंटर होते ही आप देखेंगे इसका जो है वो ड्राइंग रूम की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क, और ऊपर जो है वो इसका सीलिंग डिज़ाइन है। टू आप चेक कर सकते हैं इसकी जो है कॉर्नर की वजह से हाइटेड विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और इधर इसका जो है वो साथ ही बाथ है अटैच। ये ड्राइंग रूम का बाथ है जी। साथ इसके जो है वो एक LCD के लिए आप चेक कर सकते हैं। इसके जो है वो कवर्स भी दिए गए हैं, ये सॉरी LCD का मेन जो है पॉइंट भी दिया गया है। मेन हम आपको जो है इसकी जो है ग्राउंड पोर्शन की इंटरेस्ट उधर से हम आपको इंटर करते हैं तो ये आप स्टेज का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, सॉरी इंटरेस्ट डोर वर्क का जो है वो डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। इंटर होते ही ये आप देख सकते हैं इसका काफ़ी जो है बड़ा जो है वो टीवी लाउंज का एरिया आता है, और लेफ्ट साइड पर जो है वो स्टेज जो है ऊपर वाले पोर्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं सेपरेट जो है ये आप टीवी लाउंज का। नीचे आप चेक कर सकते हैं खूबसूरत जो है वो टाइल वर्क, और ऊपर आप इसका जो है वो सीलिंग डिज़ाइन। सामने आप देखेंगे राइट और सेकंड डोर आप चेक कर रहे हैं, ये इसके 2 मास्टर बेडरूम है, और लेफ्ट साइड वाला जो है इसका किचन का है। इसका हम आपको ग्राउंड पोर्शन का फर्स्ट जो है वो मास्टर बेडरूम चेक करवाएंगे जी। बेडरूम का इंटरेस्ट डोर वर्क आपने देखा, नीचे आप इसकी खूबसूरत टाइल वर्क चेक कर सकते हैं, और ऊपर आप इसका जो है वो सीलिंग वर्क, और इधर वॉल के ऊपर आप देखेंगे 3D वॉलपेपर इंस्टॉल है, और ये इसकी जो है वो हाइटेड विंडो वेंटिलेशन के लिए, साथ ही इसके बिल्कुल अटैच बाथ ये आप चेक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मौजूद है इसमें, इंग्लिश भी और इंडियन भी। फुली ऊपर तक इसका टाइल वर्क, और एग्जॉस्ट के अंदर ही जो है वो सीलिंग के अंदर ही एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है। सेकेंड बेडरूम की तरफ हम आपको ले चलते हैं तो इधर आप चेक कर सकते हैं इसका जो है सेकेंड बेडरूम, इंटरेस्ट और वर्क आप चेक करेंगे जी। इंटर होते ही आप देख सकते हैं नीचे खूबसूरत जो है उसका टाइल वर्क, और ऊपर जो है वो इसका सीलिंग वर्क, और इधर इसके जो है आप देख सकते हैं कबर्ड्स हैं, और ये वेंटिलेशन आप चेक कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए हाइटेड विंडो वेंटिलेशन के लिए, साथ ही इधर बिल्कुल अटैच बाथ है इसके। बाथ आप चेक कर सकते हैं, इधर इसका वेंटी का एरिया है, और इंग्लिश सीट लगाई गई है इधर। फुली ऊपर तक इसका टाइल वर्क, और ऊपर जो है इसका सीलिंग डिज़ाइन जी। ये था सेकेंड बेडरूम। वापस हम आते हैं इसके TV लाउंज के एरिए में, ये इसका TV लाउंज का एरिया है, और इधर इसका किचन, किचन का आप देखेंगे इंटरेस्ट और वर्क। इंटर होते ही आप देख सकते हैं नीचे इसका जो है खूबसूरत टाइल वर्क है, और ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसके जो है किचन के कबर्ड्स वगैरह जी। बर्नल आप देखेंगे इधर जो है बड़ा बर्नल है, और ऊपर जो है हुड जो है इंस्टॉल है। वॉश एरिया आप चेक कर सकते हैं। इसी किचन से ही बैक गैलरी की इंटरेस्ट है। बैक गैलरी पे आप देखेंगे इसका जो है वो सेकंड डोर है जो कि स्ट्रीट की तरफ से आ रहा है सेकंड डोर। इसका ग्राउंड पोर्शन का सेपरेट गीजर भी इंस्टॉल है, और इधर जो है लॉन्ड्री की स्पेस भी आप देख सकते हैं, इधर जो है वो दी गई है लॉन्ड्री की स्पेस भी जी। ग्राउंड पोर्शन की आपने अकोमोडेशन चेक की, इधर जो है 2 मास्टर बेडरूम, एक TV लाउंज और ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। किचन है, और बैक गैलरी से जो है वो इसका जो है वो एक इंटरेस्ट डोर वर्क है सेकंड जो है जी। ऊपर वाले पोर्शन में वो आपको लेकर चलते हैं तो ये स्टेट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका,
और लेफ्ट साइड के आप देखेंगे स्टेट के बिल्कुल साथ जो है वो वुड के साथ ही इसका जो है वो वर्क हुआ हुआ है, और पूरे घर में जो है वो इसकी जो है वो हाफ जो है वो वॉल की पेलिंग आप कह सकते हैं इसकी जो है वो वुड के साथ ही की गई है। इसका ऊपर वाले पोर्शन का भी हम राइट साइड से विजिट स्टार्ट करेंगे जो कि टेरेस की तरफ से भी कवर किया गया है। एक इसको प्रॉपर बेड भी बना सकते हैं, ये इसका टेरेस वाला एरिया को कवर करके इसका एक प्रॉपर बेड बनाया गया है। नीचे इसका टाइल वर्क है और ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। इधर साथ ही बिल्कुल इसके कबर्ड्स और ये बाथ है अटैच जी। टेरेस वाला एरिया हम आपको चेक करवा देते हैं। टेरेस पे आप देखेंगे नीचे इसका जो है वो चिप्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है और ऊपर से आपको इसका जो है ग्रीन एरिया कॉर्नर साइड, और इधर आप देख सकते हैं सामने वॉल के ऊपर जो है खूबसूरत जो है वो 3D वॉलपेपर इंस्टॉल है। ऊपर वाले पोर्शन का ये TV लाउंज की स्पेस है। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं और इधर इसका ड्राइंग रूम, और इसको आप बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन और नीचे खूबसूरत टाइल वर्क, 2 हाइटेड विंडो आप देख सकते हैं इसकी वेंटिलेशन के लिए, और इधर इसके साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ है जी। बाथ का आपने टाइल डिज़ाइन चेक किया, और TV लॉन्स के एरिया में वापस हम आते हैं। इधर आप देखेंगे इसका जो है ये सेकंड बेडरूम, ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, नीचे इसका टाइल वर्क है, और इधर जो है वॉल के ऊपर 3D वॉलपेपर इंस्टॉल है, साथ ही इसके बिल्कुल अटैच बाथ। बाथ का आप देखेंगे फुली ऊपर तक टाइल वर्क है और दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इधर है इसके कबर्ड्स जी, और इधर इसका जो है वो थर्ड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत। इधर जो है वो मीडिया वॉल की भी जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है, LCD का पॉइंट भी दिया गया है, और ऊपर इसका जो है खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। नीचे आप इसका टाइल वर्क चेक कर सकते हैं, और इधर इसके जो है कबर्ड्स हैं, ये इसकी वेंटिलेशन के लिए हाइटेड विंडो है, साथ ही बिल्कुल इसके जो है अटैच बाथ आप देख सकते हैं, इंग्लिश सीट लगाई गई है फुली ऊपर तक इसका टाइल वर्क, और ऊपर जो है इसका सिंपल जो है वो सीलिंग डिज़ाइन। ये इसका जो है वो थर्ड बेडरूम था। किचन की तरफ हम आपको ले चलते हैं, तो ये आप किचन की एंट्रेंस डोर पर चेक कर सकते हैं जी। किचन की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत इसका टाइल वर्क, और राइट साइड पे फुली जो है ऊपर तक इसका जो है वो टाइल वर्क दिया गया, और ये है इसका किचन के कबर्ड्स। बर्नल आप देख सकते हैं, बर्नल के ऊपर आप देख सकते हैं इसका हुड, ये इसका इधर जो है वॉश एरिया है। इधर ही आप देख सकते हैं छोटी सी विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए किचन की बैक गैलरी से, और ये इसकी बैक गैलरी का जो है वो इंटर स्टोर वर्क। बैक गैलरी पे देख सकते हैं नीचे जो है वो चिप्स का इस्तेमाल जी। वापिस हम आते हैं इसके किचन के एरिया में। ऊपर वाले पोर्शन की जो है अकोमोडेशन मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स का डिज़ाइन, बाहर जो है वो कार पोर्ट से आप सीधा जो है ऊपर वाले पोर्शन में आ सकते हैं, और आते ही ऊपर सबसे पहले सामने किचन है, और इधर इसके जो है वो 2 मास्टर बेडरूम, ये सेकंड में आप देख रहे हैं इसका ड्राइंग रूम है, और थर्ड में जो आप चेक कर सकते हैं वो इसका जो है बेडरूम है, उसको आप स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन की आपने अकोमोडेशन चेक की, तो ऊपर हम आपको ले चलते हैं इसके छत की तरफ। तो इस छत का आप स्टेयर्स का डिज़ाइन देख सकते हैं जी। ये आप देख सकते हैं इसका ममटी वाला एरिया है, इसको भी आप स्टोर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इधर जो है इसके प्रॉपर एक जो है वो बड़ा जो है वो सर्वेंट रूम भी दिया गया है, ये इसका सर्वेंट रूम। नीचे आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत मार्बल वर्क, और 2 हाइटेड विंडो है वेंटिलेशन के लिए जी। ये एक बड़ी जो है उसको ममटी और इसको स्टोर रूम सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं इसके कबर्ड्स भी दिए गए हैं, साथ ही बिल्कुल इधर अटैच बाथ है इसका। वेंटिलेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इसकी जो है वो विंडोज़ भी दी गई है। ये है छत का इंटरेस्ट और वर्क। छत पे आप देखेंगे नीचे जो है इसका चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन भी एक बनाया गया है ये इसका चिप्स के साथ ही। और इधर जो है बड़ा एक इसका जो है वो बड़ा टैंक है, वाटर लॉन्ड्री की स्पेस भी आप देख सकते हैं दी गई है। और ये मैं थोड़ा सा बैक ऑफ के आपको ममटी वाला एरिया चेक करवा देता हूँ जी। 7 मरला कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है, इस घर की जो है वो डिमांड कर रहे हैं 4 करोड़ 80 लाख डिमांड कर रहे हैं।
मज़ीद देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।